नमस्कार, आरती न्यूज गंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सोनू हमारे साथ मौजूद हैं, यानी प्रमोद प्रेमी के मैनेजर हैं। ये बताइए, कल आपका गाना आया प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट में, लेकिन कॉपीराइट का मामला है, क्या है दर्शकों को बताइए। अभी फेक कॉपीराइट है, फेक स्ट्राइक मार के ब्लॉक किया गया है, और ऐसा किया है लोग रात में ताकि हम लोग अभी डिस्टर्ब रहें। आज हमको लग रहा है कि आधे एक घंटे में खुल जाएगा ये गाना और चलेगा। क्या लगता है कि कल से मीडिया में खबर चल रहा है कि आप लोग का कॉपीराइट किया हुआ है, गाना चोरी के मामला आ रहा है, थोड़ा दर्शकों को बताइए कि कब आपने ये गाना अपने तैयार किए थे? चोरी करके लोग दूसरे को चोर बना रहे हैं, वो लोग खुद चोर है, लोग दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग। और गाना अलग है, सबसे बड़ी चीज़ है कि गाना ही भी अलग है, और हम लोग खुद चोरी के डर से, हमको लगा कि हमारा गाना लीक है, इसके लिए हम खुद ऑडियो छोड़े हैं कल रात में। वो टीजर देखने के बाद कोई बोला, राइटर बोले कि भैया लगा था कि गाना पर लीक हो गया, बका वही टाइप का टाइटल बा इनको, तो हमने कि पहले रिलीज कर दिला खादमी अभी न तो वीडियो करी तदमी आई आज के ना पाँच चार पाँच महीना पहले के गाना गावल बा और ऑडियो के डिटेल्स हम दे दें। काफ़ी इस पर कल से विवाद चल रहा है, इस पर क्या आप लोग एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन चलेगा, एक्शन तो बगैर लिए थोड़ी ना छोड़ेगा। मेरा गाना ख़राब कर दिया लोग, तो उसको जो फेक मारा है उस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। मारा है चाहे कोई मरवाया है, सब पे एक्शन चलेगा, पता चलेगा। सब लोग सोच रहे हैं, लोग अपना कंट्रोवर्सी करके लोग सोच रहे हैं कि हम बच जाए। अरे ज़बरदस्ती कोई बचता है, चीज़ रहे वो क्वालिटी रहे अपने बजेगा। गाना साला अलग अलग है, लोग विवाद करके जानबूझ के कंट्रोवर्सी करके अपना गाने का प्रमोशन करे, कोई ऑडियो का प्रमोशन करता है, लोग प्रमोशन कर रहे हैं। जब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है तभी ना ऐसा प्लान के तहत हुआ है, तब ना कुछ दिख रहा है आपको। आपको भी दिखने देखे होंगे कि कहीं प्रमोशन चल रहा है, किसी का गाना ब्लॉक किया जा रहा है फेक स्ट्राइक दे के, सब खुलेगा। फेक स्ट्राइक कोई दे सकता है, अभी वैसा नियम नहीं बना है कि फेक स्ट्राइक पे कंट्रोल कोई कर सके, लेकिन उस पर एक्शन हम लेंगे लीगली तरीके से। खाली छोड़वाने से मतलब नहीं है, जो फेक स्ट्राइक मारा है उस पर एक्शन लेंगे हम तरीके से। देखिए, कहीं ना कहीं मैनेजर हैं प्रमोद प्रेमी के, यानी एक्शन लेने के बात कह रहे हैं। ये बताइए, आपका कौन कौन गाना चोरी हुआ है? अरे वो लोग मेरा गाना कितना गाया है लोग, अभी हाल फिलहाल में दो गाना, अभी आरा जालू और ये उड़ के कमर अमर हो जाए। हम लोग चाहते नहीं है कि किसी के बारे में बोले, कोई कंट्रोवर्सी करे, हम लोग अपने काम में मस्त रहते हैं और बढ़िया काम करना चाहते हैं। लोग विवाद से हिट होना चाहते हैं, हम लोग विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं, अंतर यही है। अब बताइए कितना कितना गाना है, कोई कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन प्रमोद जी खुद कुछ नहीं बोलते हैं, और हम लोग चाहते भी नहीं है। क्या बोलवाना है बीच में, कंट्रोवर्सी से थोड़ी ना, कलाकार हैं तो कलाकारी दिखा के ना दर्शकों को ये करेंगे, मनोरंजन देंगे, और कंट्रोवर्सी में क्या है। कंट्रोवर्सी करके तो और भोजपुरी को बदनाम करके रख दिया लोग पूरा। चलिए, बहुत बहुत लोग मान के चलिए सोचता है कि हर टाइम कंट्रोवर्सी करके कैसे भी कीवर्ड बना रहे, कीवर्ड सर्च में हमारा नाम चलते रहे, न्यूज बनवाते रहे। कुछ लोग अपने न्यूज चैनल को पाल के रखे हैं फेक न्यूज को, जैसे कुछ भी हो, चले कुछ भी, लिख दे कुछ भी, कैसे भी दिन भर उसी का गुणगान करते रहे। इसे थोड़ी ना चलता है भाई, कलाकारी है, कलाकार है तो कलाकारी दिखा के मनोरंजन कीजिए ना पब्लिक को, तो कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत है। बहुत से लोग हैं कि गाली गलौज करके ही हिट होना चाहते हैं, ढेर है वही लोग के टीम में ऐसा होता है, वो लोग खुद ऐसे पाल के रखे हैं, गाली गलौज वाले लोग को पाल के रखे हैं। उन लोग का काम ही है कि किसी को गाली दे दे, किसी को गाली डाल के न्यूज बनाए, ऐसे बदनाम करना। ये सारे गलतियां तो हम बोलेंगे कि यूट्यूब का है, ऐसे यूट्यूब का इतना आसान प्रोसेस हो गया है कि कोई जी मन करे आए तुरंत चैनल बनाए, कुछ भी बोल के डाल दे। थोड़ा सा कहीं चेंजिंग, हाँ कार्रवाई करना चाहिए और चेंजिंग कुछ करना चाहिए। ओपन दुकान नहीं, कुछ उसके लिए एविडेंस लगना चाहिए, कुछ सर्च करके ही यूट्यूब को किसी को परमिशन देना चाहिए कि अपना चैनल क्रिएट कर सके। इसके लिए कोई आके गाली दे दे रहा है, गाली दे के अपना व्यूज बढ़ा रहा है, पोस्टर लगा दे रहा है कि फलाने ने फलाने को गाली दिया, बस उसी पर चल रहा है। ये इस वक्त प्रमोद प्रेमी सभी फैनों के साथ मौजूद हैं, यानी विशाल भारती हैं। ये बताइए कब तक लिए गाना ओपन होगा, फिर से बता दीजिए। दो चार पाँच घंटा में रिलीज होगा ये गाना, फिर से होगा कि वही चैनल होगा? वही गाना, वही गाना, वही चैनल पर छूटेगा।
रिकॉर्डिस्ट बैठे हैं यही किया। अच्छा ये बताइए आप, मैं सच्चाई बताइएगा कि कब आप प्रमोद प्रेमी के रिकॉर्ड किए थे ये गाना? ये 5 से 6 महीना हो गया रिकॉर्ड किए हुए गाना। 5 से 6 महीना जी। तो लेकिन ये बहुत बवाल हो गया है कि गाना चोरी है के मामला है। गाना तो जो कर रहा है वही ना कर रहा है, देख ही रहे जो दिखाई दे रहा है आपको। तो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है? गलत ही वो सब कर रहे हैं जो कर रहे हैं अपना। हम लोग का ऑडियो है, रिकॉर्ड हो रहा है, टाइटल किसी का कोई थोड़ी ना टाइटल है किसी का। लेकिन ब्लॉक हो गया गाना। ब्लॉक हुआ तो ब्लॉक खुलेगा ना, आपका लिखा तो थोड़ी ना लिखा है उस पर कि आपका गाना है ये। देखिए यहीं जो रिकॉर्ड किए थे प्रमोद प्रेमी के स्टूडियो में, कहीं ना कहीं 5 से 6 महीना बयान दे रहे हैं कि ये रिकॉर्ड हुआ है गाना को, और प्रमोद प्रेमी साथ हैं। मैं राय ले रहा हूँ कि ये बताइए प्रमोद जी, आने वाला कौन कौन प्रोजेक्ट है? बहुत सारा गाना आने वाला है, फिल्म भी बहुत सारी आने वाली। कौन कौन फिल्म? अभी तो जा रहे हैं करने के लिए कलेक्टर साहब, मेरा भी रिलीज काजल राघवानी के साथ फिल्म भी आ, नागमणी है। नागमणी, देखिए नागमणी काजल राघवानी के साथ आने वाला है, कुछ ही समय में आपको बड़े पर्दे पर रिलीज होगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज लाइव भोजपुर बिहार।